दोस्तों सर्दियों के मौसम में सभी अपने अपने घरों में अलग अलग तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू जरूर बनाते हैं, लेकिन आज जो हम सर्दियों के लिए स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर मेथी दाना के लड्डू बनाएंगे, आप यदि इन लड्डुओं को सर्दियों में 40 से 50 दिन खा लेंगे तो पूरे साल शरीर में इन लड्डुओं का असर दिखेगा। ये मेथी के लड्डू हमारे लिए इतने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और यदि शरीर में किसी तरह की चोट भी नहीं है और हड्डियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमजोरी की वजह से हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसमें ये लड्डू बहुत फ़ायदा करेंगे। सर्दी में यदि किसी को इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से बार बार खांसी जुकाम होता है या बार बार बीमार होते हैं, तो उसमें भी ये लड्डू बहुत फ़ायदा करेंगे। और इन मेथी के लड्डुओं को खाने से कमजोरी थकान भी नहीं रहेगी। जिस तरीके से हम ये आज मेथी के लड्डू बनाएंगे, ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इन मेथी के लड्डुओं का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि बड़े तो क्या, बच्चे भी इन लड्डुओं को मांग मांग कर खाएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए बनाते हैं सर्दियों के लिए स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1 कप मेथी। ये वजन में 150 ग्राम है। मेथी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको मेथी के लड्डू बनाने हो। लड्डू बनाने से पहले मेथी को अच्छे से साफ करेंगे, लेकिन हम इसको पानी से धो नहीं सकते हैं, तो मैंने कॉटन के कपड़े पर मेथी को फैलाकर कपड़े से रगड़ रगड़ कर मेथी को अच्छे से साफ कर लिया। अब इसके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं है। मेथी को कपड़े पर डालकर साफ करते हुए मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस मेथी के यदि हम अभी लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा कड़वे बनेंगे, तो हम पहले इस मेथी को हल्का सा भूनेंगे ताकि मेथी की नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेथी में घर में रखे रखे भी नमी आ जाती है। तो अब इस मेथी को पैन में डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर मेथी को हल्का सा भून लेंगे। मेथी को ज़्यादा भी नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। हम इस मेथी को हल्का सा भूनने के बाद पीसेंगे तो ये आराम से पीस जाएगी बिना किसी दिक्कत के। यदि मेथी को बिना भूने पीसेंगे तो मेथी अच्छे से बारीक नहीं पीसेगी। और आप यदि मेथी को भूनना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मेथी को 1-2 घंटे के लिए तेज धूप में भी रखेंगे तो भी मेथी की नमी खत्म हो जाएगी। सर्दियों में मेथी के लड्डू खाने से शरीर और जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। मेथी के लड्डू खाने से शरीर में एनर्जी आती है और शरीर भी गर्म रहता है, इसलिए सभी को सर्दियों में मेथी के लड्डू जरूर खाने चाहिए। थोड़ी देर में ही जब मेथी में से खुशबू आने लग जाएगी तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसको थाली में निकाल लेंगे। अब इस मेथी को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए मेथी अच्छे से ठंडी हो गई। मेथी को अच्छे से बिल्कुल ठंडा करना है। और अब लेंगे मिक्सी का जार। मैंने मसाला पीसने वाला मिक्सी का जार लिया है, इसमें ये मेथी डाल देंगे जो हमने अभी भूनी है। मैं आपको दोबारा से बोल रही हूँ, मसाला पीसने वाले मिक्सी के जार में ही इसको पीसना है, तभी मेथी अच्छे से बारीक पीसेगी। अब इसको पीस लेंगे। ये देखिए मेथी को पीस लिया। गेहूं के आटे को जब थोड़ा मोटा मोटा पीसते हैं ना, तो ये वैसी ही पीसी है। अब इसको बड़े बोल में डाल देंगे। इस पिसी हुई मेथी के अभी लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा कड़वे बनेंगे, इसलिए अब इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। अभी हम 1 कप ही दूध डाल रहे हैं, बाद में 1/2 कप दूध और डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, मैंने दूध को गर्म करने के बाद ठंडा कर लिया है। अब इसमें 1/2 कप दूध और डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला देंगे। मेथी में दूध डालकर ये लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। दूध जब मेथी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब इसको ढककर साइड में रख देंगे। और अब एक बड़े बोल में डालेंगे 3 कप देसी घी। ये वजन में 400 ग्राम है। लड्डू बनाने के लिए जब भी देसी घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस बोल में से ही देसी घी लेंगे। अब इस बोल में से 1 बड़ा चम्मच देसी घी पैन में डाल देंगे। घी जब गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इनको भून लेंगे। काजू, बादाम, अखरोट बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि आप काजू, बादाम, अखरोट की जगह इन मेथी के लड्डू में क्या डाल सकते हैं, ताकि आपको बिना ड्राई फ्रूट डाले भी ड्राई फ्रूट्स के पूरे फायदे मिले। आप इन लड्डुओं में यदि ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो सभी को पता है कि इन ड्राई फ्रूट्स को खाएंगे तो सिर से लेकर पैर के नाखून तक ये बहुत फ़ायदा करेंगे। थोड़ी देर में ही ये काजू, बादाम, अखरोट भुन गए, तो अब इनको थाली में निकाल कर ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। और अब पैन में डालेंगे 25 ग्राम मखाने, इनको भी भून लेंगे।
मखानों में यदि इस तरह का काला छिलका सा दिखाई दे तो उसको निकाल देंगे। मखाने आप ज़्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। मखाने खाने से हड्डियाँ मजबूत होती है, क्योंकि मखानों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और कैल्शियम तो हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये मेथी के लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मखाने भी थोड़ी देर में अच्छे से भुन गए तो अब इनको अलग थाली में निकालेंगे। काजू बादाम अखरोट वाली थाली में इनको नहीं निकालेंगे। और अब पैन में डालेंगे 150 ग्राम भुने हुए चने। आप छिलके वाले भुने चने भी ले सकते हैं, इनको भी हल्का सा भून लेंगे। वैसे तो इनको भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको हल्का सा भून लेंगे तो इन भुने हुए चनों की नमी ख़त्म हो जाएगी। भुना हुआ चना भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। भुने हुए चने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। मेथी के लड्डू में आप काजू बादाम अखरोट नहीं डालेंगे और 150 से 200 ग्राम भुना हुआ चना इन लड्डुओं में डाल देंगे तो भुने हुए चने से वो सारे पोषक तत्व मिलेंगे जो इन ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। थोड़ी देर में ही ये चने भी हल्के से भुन गए तो अब इनको मखाने वाली थाली में ही निकाल लेंगे। और अब पैन में डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम डेली रोटियां बनाते हैं। हमने 150 ग्राम मेथी ली है तो आटा मेथी में डबल लेंगे, यानी कि आटा 300 ग्राम लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो आटे में देसी घी डालकर भी आटे को भून सकते हैं, लेकिन हम आटे को ड्राई रोस्ट ही करेंगे, क्योंकि आटे को ड्राई रोस्ट करके ये मेथी के लड्डू बनाएंगे तो देसी घी भी कम लगेगा। और जिन लोगों को लड्डू खाने से खट्टी डकारें और गैस बनती है तो वो लोग भी इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देसी घी डालकर आटे को भूनेंगे तो आटा थोड़ी जल्दी भून जाता है, लेकिन आटे को ड्राई रोस्ट करेंगे तो आटे को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आटे को अच्छे से भूनना है, आटा हल्का सा भी कच्चा नहीं होना चाहिए। यदि आटा हल्का सा भी कच्चा रहेगा तो ये मेथी के लड्डू खाने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर आटे को 12 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। आटे में से भुनने की खुशबू भी आ रही है और आटे का कलर भी डार्क हो गया, तो अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसको एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। इसको अब साइड में रख देंगे और अब पैन में डालेंगे 200 ग्राम सूखा नारियल, जिसको गोला भी बोलते हैं। नारियल को छोटा छोटा काट कर मैंने मिक्सी के जार में पीस लिया। आप सूखे नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच चिरौंजी। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, चिरौंजी को आप स्किप भी कर सकते हैं। इनको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। वैसे तो नारियल को भूनने की ज़रूरत नहीं है, बिना भुने भी आप इसको लड्डुओं में डाल सकते हैं। सूखा नारियल हड्डियों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। सूखा नारियल जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। ये चिरौंजी भी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, इसमें भी वो सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। थोड़ी देर में ये भी हल्के से भुन गए तो इनको भी इस बड़े बोल में निकाल लेंगे जिसमें हमने आटा भून कर निकाला है। और अब लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे देसी घी। हमने उसी बोल में से घी लिया है जिसमें हमने कप से नापकर 400 ग्राम देसी घी डाला था। ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब लेंगे 100 ग्राम कीकर का गोंद, यानी कि ये बबूल का गोंद है। इसको थोड़ा थोड़ा डालकर फ्राई कर लेंगे। सर्दियों में गोंद खाएंगे तो ये शरीर को गर्म रखता है, गोंद कमजोरी को दूर करता है और ये हड्डियों को मजबूत करता है। गोंद जब अच्छे से फूल जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको थाली में निकाल लेंगे और ऐसे ही बचा हुआ गोंद भी फ्राई कर लेंगे। और अब इस मेथी को देख लेते हैं जो हमने दूध में भिगो कर रखी है। मैंने इसको 5 घंटे के लिए दूध में भिगो कर रखा है। ये देखिए, ये इस तरह से चिपक गई है। मेथी को पीस कर दूध में भिगो कर रखते हैं तो मेथी चिपचिपी हो जाती है, तो इसको अब चम्मच से अलग अलग कर देंगे। आप इसको हाथ से भी अलग अलग कर सकते हैं। राजस्थान में 2 तरीकों से मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं। एक तो इस तरीके से दूध में मेथी को भिगो कर लड्डू बनाते हैं और दूसरा मेथी को पीस कर देसी घी में भिगो कर पूरी रात के लिए रखते हैं ताकि मेथी का कड़वापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, सारी मेथी अलग अलग हो गई। और अब जिस कढ़ाई में हमने गोंद को फ्राई किया है उसी कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी और डाल देंगे।
जब ये देसी घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें ये मेथी डाल देंगे जो हमने दूध में भिगो कर रखी थी। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख कर ही ये मेथी के लड्डू बनाना ताकि आपके मेथी के लड्डू भी टेस्टी बने। गैस की फ्लेम को हाई पर रखकर मेथी को लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे और मेथी को जब तक पकाएंगे जब तक इस मेथी में से घी अलग नहीं हो जाता तब तक। देसी घी में मेथी को भिगोते हैं तो उस मेथी को तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, लेकिन दूध में भीगी हुई मेथी को जब तक भूनते हैं जब तक मेथी में से घी अलग नहीं हो जाता तब तक। क्योंकि यदि मेथी को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो जो मेथी में दूध की वजह से मॉइस्चर आ गया है उसकी वजह से लड्डू जल्दी खराब हो जाएंगे, इसलिए मेथी को अच्छे से भूनना है। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर मेथी को 15 मिनट के करीब हो गई भूनते हुए, मेथी में से घी सेपरेट हो गया। तो अब मेथी को आटे वाले बॉल में ही निकाल लेंगे और जो ये गोंद हमने फ्राई किया है इसको साबुत लड्डू में नहीं डालेंगे। तो अब इसको कटोरी से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, गोंद को ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, मोटा मोटा ही रखेंगे। ये देखिए हमने गोंद को मोटा मोटा क्रश कर लिया, तो अब इसको साइड में रख देंगे। और जो ये हमने काजू बादाम अखरोट भुने थे इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकाल लेंगे, इसको हम मोटा मोटा काटेंगे। और जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मिक्सी के जार में डालकर बिल्कुल बारीक पीसेंगे। और ये मखाने और भुने चने हैं इनको भी पीस लेंगे। ये देखिए मखाने और भुने हुए चने को बिल्कुल बारीक पीस लिया, काजू बादाम अखरोट को भी बिल्कुल बारीक पीस लिया। और जो ये साबुत ड्राई फ्रूट रखे थे उसमें थोड़े से पिस्ता डालकर इनको बारीक बारीक चॉपर में काट लिया। अब इनको इस ड्राई फ्रूट वाले पाउडर में ही डाल देंगे और अब इन ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को इस बड़े बोल में डाल देंगे जिसमें हमने आटा और मेथी डालकर रखी है। ये मखाने और भुने हुए चने का पाउडर भी डाल देंगे, ये फ्राई किया हुआ गोंद भी इसमें डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिला देंगे, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। और अब कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे, ये जो बोल में हमने देसी घी डाला था ये सर्दी की वजह से जम गया है। जब ये घी गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 800 ग्राम गुड़। गुड़ सर्दियों में परचून की दुकान पर आराम से मिल जाता है, गुड़ को छोटा छोटा तोड़कर ही घी में डालेंगे। अब इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए गर्म करेंगे, गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, गुड़ को पकाना नहीं है, जब गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तभी तक गुड़ को गर्म करेंगे। यदि गुड़ को ज़्यादा पकाएंगे तो ये मेथी के लड्डू बहुत हार्ड हो जाएंगे। थोड़ी देर में ही गुड़ पिघल गया तो अब गैस को बंद कर देंगे और इस गुड़ को इस मिक्सचर में डाल देंगे। मैंने ये मिक्सचर बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है, ये बोल थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगी। गुड़ को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे, गुड़ को इस तरह से गर्म करके इस मिक्सचर में डालेंगे तो कम घी में भी आप ये मेथी के लड्डू बना सकते हैं। जिस तरीके से आज हम ये मेथी के लड्डू बना रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 ग्राम घी लगेगा लड्डू बनाने में। आप इसमें डालेंगे एक चम्मच सफ़ेद मिर्च, इसको दखनी मिर्च भी बोलते हैं, ये मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक चम्मच ही डालेंगे इलायची, इलायची के दानों को कूटकर इन लड्डुओं में डालेंगे तो लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और आधा चम्मच डालेंगे सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर। सौंठ का पाउडर सर्दी खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदा करता है। और थोड़ी सी जायफल को घिसकर डाल देंगे, जायफल की तासीर भी गर्म होती है। अब इसमें ये बचा हुआ देसी घी सारा डाल देंगे जो हमने शुरुआत में नाप कर 400 ग्राम लिया था, ये देसी घी जम गया था तो मैंने इसको दोबारा से गर्म करके इस मिक्सचर में डाला है। घी को इसमें अच्छे से मिला देंगे। बड़े लोग सुबह सुबह नाश्ते में एक लड्डू खा सकते हैं और छोटे बच्चों को ये आधा लड्डू ही देना है, और प्रेग्नेंट लेडी को तो ये लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाने हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म है, लेकिन वो डिलीवरी के बाद इन लड्डुओं को खाएंगी तो उनको ये लड्डू बहुत फ़ायदा करेंगे। जब इसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। यदि इसके लड्डू अच्छे से बन नहीं रहे तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल सकते हैं। आपको ये मेथी के लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।